जैसे कि आप सबको पता है कि पीटीआई की जानिब से मीनार पाकिस्तान का वेन्यू था वो डिसाइड किया गया था, और उन्होंने कहा था कि ढोल के साथ हम बारात लेके आएंगे, ये हमें एनओसी देते हैं या नहीं देते, जलसा मीनार पाकिस्तान में हो के रहेगा, और ये डिसाइडेड था वेन्यू, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद मीनार पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। लेकिन जो आज की लेटेस्ट अपडेट है, जो कि मैं आपको करंट एनएन के प्लेटफॉर्म से अपडेट दे रही हूँ, वो ये है कि नाज़रीन यहाँ पे लोग तो आ चुके हैं, लोगों को यही पता है कि पीटीआई की जानिब से वेन्यू डिसाइडेड था, लेकिन आज ही रिसेंटली सुबह नून लीग की जानिब से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और कहा गया कि पीटीआई को जलसे से जो है वो रोका जाए, लेकिन उन्होंने उनकी वो डिमांड पूरी नहीं की, उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। लेकिन साथ ही साथ ये बात बीच में ऐड कर दी कि वेन्यू जो है वो चेंज हो सकते हैं, हुकूमत बताएगी। और अभी जो करंट सिचुएशन ये है कि जनाब मैं आपको बता दीजिए कि डीसी लाहौर की जानिब से एक इजलास हुआ है ताज़ा तरीन, और ये उन्होंने इजलास पंजाब पुलिस की जानिब से किया है, और कहा है उनको अहकाम जारी किए कि सूरत हाल से जलसे की मुझे अपडेट करें। और वेन्यू जनाब चेंज हो चुका है, वेन्यू जो है वो कहना है, लोगों की मालूम ये है कि मीनार पाकिस्तान है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों की तादाद देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पीटीआई के रहनुमा है वो आते हैं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए रुकते हैं और चले जाते हैं। और अभी तक बहुत से लोगों को नहीं पता कि काहना में जो है वो जलसा होने जा रहे हैं, लोगों को मीनार पाकिस्तान का पता है, क्योंकि पीटीआई की जानिब से कहा गया था कि हमारा जो पड़ाव है, हमारी जो पावर स्ट्रीट है, वो मीनार पाकिस्तान में होगी। अब करंट सिचुएशन ये है जनाब कि यहाँ पर जो पुलिस की सिक्योरिटी है उसकी तो काफ़ी नफरी दिखाई दे रही है, सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम हैं, लेकिन जो एक चीज़ जिससे पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो मायूस हुए हैं, जगह जगह पे कंटेनर्स लगाए गए हैं, जो मेन शाहराए हैं, दाखिली खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ, मेरे अगर मेरे कैमरा में दिखा सके, पीछे प्रिजन वैन है, और यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 लोग जो हैं उनको सिर्फ शक की बुनियाद पर जो है वो कैद कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, उनके सिर्फ इस वजह से वो यहाँ पे सिर्फ जलसा अटेंड करने के लिए आए थे, क्योंकि पीटीआई बाणी की जानिब से कहा गया था कि यहाँ पे जलसा होने जा रहा है, जिसकी वजह से वो पावर स्ट्रीट दिखाने के लिए यहाँ पे, लेकिन ये लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं, और बहुत से लोग जो हैं किसी हद तक वो खौफ हरास में फैल चुका है, क्योंकि शक की बिना पर कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ शक की बिना पर लोगों को पकड़ा जा रहा है, वैंस में डाला जा रहा है, उनको बाहर घूमने फिरने भी नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ लड़के लड़कियाँ बल्कि फैमिलीज आई हुए हैं, छोटे बच्चे आए हुए हैं, उनका जोश व खरोश दीदनी है इस टाइम, और वो बड़े पुरजोश हैं, जैसे उनको टेंशन नहीं है, और उन्होंने विक्ट्री के निशान बनाए हुए हैं, उनको पता है कि हम जीत चुके हैं, खास से पुरउम्मीद है। और यहाँ पे जो उनका जज्बा है अभी से ही जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है नाज़रीन, कि अभी कुछ लोगों को पता चल गया कि काहना जो है वो इनका जलसा वहाँ पे होने जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो काहना की जानिब चले गए। और मैं आपको साथ से यही बताती चलूँ कि अली अमीन गंडापुर जो है उनकी जानिब से सवाबी में कहा गया था कि वहाँ से काफ़िला शुरू होगा, और वहाँ से तकरीबन हर इलाके से 500 बंदा जो है वो इकट्ठा होकर लाहौर की जानिब आएगा, और जो उनका काफ़िला है वो रवान दवा है, और हर तरफ से लोग जो हैं वो लाहौर की जानिब जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, और इस जो पावर स्ट्रीट है अपनी पावर लाहौर दिखाने के लिए जो है बड़े पुरउम्मीद हैं। लेकिन हुकूमत ने भी अपनी रवायत को बरकरार करते हुए, जैसे इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगा दिए थे, एनओसी तो दे दिया था, लेकिन जगह जगह पर कंटेनर्स लगा थे, इस तरह लाहौर की सूरत हाल भी है, जिसकी वजह से लोगों को पहुंचने में बहुत दुश्वारी का सामना है, और लोगों का ये गिला करते हैं, मैंने सुना है कि जब हम टाइम पर पहुँचेंगे नहीं तो फिर ये जलसा कहते हैं टाइम पर बंद करें। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और नाज़िम फैसला जो है वो सुना दिया है, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हम और आगे जाएँ, और यहाँ पर मेरे कैमरा मैन अगर दिखा सकें, सिक्योरिटी के इंतजाम आप देख सकते हैं कि बड़े ज़बरदस्त हैं, जगह जगह पे सिक्योरिटी जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, कोई जैसे कहते हैं कि